झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो चलिए पहला खबर स्टार्ट करते हैं धनबाद से। साइबर अपराध के प्रति जागरूकता लाने के लिए झारखंड पुलिस प्रकाशित किया किताब। धनबाद समेत देश भर में साइबर अपराधियों के करतूत से बचने के लिए झारखंड पुलिस ने साइबर विशेषज्ञों की सहायता से एक किताब प्रकाशित कराया है। उस किताब के जरिए पुलिस अब आम लोगों को जागरूक करेगी। किताब सभी जिले पुलिस को भी भेजा जा रहा है। किताब में साइबर क्राइम के शिकार होने से लोग कैसे बचे, तमाम बिंदुओं पर जानकारी दी गई है। राज्य पुलिस सुरक्षा के लिहाजे से आम जनता को किताब का अवलोकन करने की अपील अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए किया है। यह खबर है साहेबगंज जिला से। छापेमारी में 8 नाव जब्त, 4 लोग गिरफ्तार। गंगा के रास्ते हो रही स्टोन चीप के तस्करी को रोकने के लिए उपायुक्त रामनिवास यादव बुधवार की आधी रात स्वयं अधिकारियों के साथ निकल पड़े। मुस्लिम थाना क्षेत्र के समदा गंगा घाट पर छापेमारी की इस दौरान 4 नाव चालकों को गिरफ्तार किया और 7 नाव जब्त कर लिया गया है। यह खबर है धनबाद से। डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति के बाद नशा मुक्त केंद्र में बढ़ने लगे हैं मरीजों की संख्या। लगभग 6 महीने से डॉक्टर विहीन नशा मुक्त केंद्र को डॉक्टर मिल गया है। SNMMCH के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर विभूति नाथ के प्रतिनियुक्ति नशा मुक्त केंद्र में की गई है। यही वजह है कि नशा मुक्त केंद्र में मरीजों की संख्या अब बढ़ने लगी है। पहले जहां 3 से 4 मरीज प्रतिदिन आ रहे थे, अभी इसी संख्या 20 से 25 हो गई है। मरीजों को यहां इलाज के साथ ही काउंसलिंग की भी बेहतर व्यवस्था की गई है। रांची में 202 पुलिस अफसरों का तबादला, SSP ने जारी किया आदेश। रांची जिले में बड़े पैमाने पर दरोगा और जमादारों का तबादला किया गया है। जिले भर के अलग अलग स्थानों से सब इंस्पेक्टर और ASI रैंक के अफसरों का तबादला किया गया है। रांची के SSP ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। जिले भर में 202 अफसरों का तबादला हुआ है। अब ट्रेनों में यात्री दे सकेंगे कैशलेस जुर्माना, TT को मिल रही है POS मशीन। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर अब कैशलेस जुर्माना देना पड़ेगा। टिकट का विस्तार कराने या बर्थ लेने के लिए भी ATM कार्ड के माध्यम से भुगतान करना पड़ेगा। रेल प्रशासन इस सेवा को शुरू करने के लिए TTE को पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन उपलब्ध करा रहा है। चक्रधरपुर रेल मंडल में कार्यरत TTE को भी यह POS मशीन उपलब्ध करवाया गया है। पूरे रेल मंडल में मौजूद TTE अब तक 50 POS मशीन उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें से सिर्फ राउरकेला रेलवे स्टेशन पर कार्यरत TTE को 15 POS मशीन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। राउरकेला में कार्यरत TTE अब ट्रेन में ड्यूटी के दौरान इस मशीन का उपयोग कर रहे हैं। झारखंड के इन मेडिकल कॉलेज में नए एडमिशन पर रोक, मामले में CM हेमंत सोरेन ने लिखा पत्र, नेशनल मेडिकल काउंसिल से किया ये आग्रह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेशनल मेडिकल काउंसिल को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि झारखंड के हजारीबाग, पलामू और दुमका मेडिकल कॉलेजों में छात्र के नए प्रवेश को रोकने के फैसले पर फिर से विचार किया जाए। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी के जरिए आग्रह किया है कि इस फैसले पर एक बार फिर से विचार किया जाए। आपको बता दें कि हजारीबाग, पलामू और दुमका मेडिकल कॉलेजों में नए एडमिशन पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि झारखंड के हजारीबाग, पलामू और दुमका मेडिकल कॉलेज में छात्राएं के नए प्रवेश को रोकने के फैसले को लेकर पिछले महीने में पुनर्विचार से संबंधित आग्रह पत्र नेशनल मेडिकल काउंसिल को भेजा गया था। एक बार फिर पत्र लिखकर नेशनल मेडिकल काउंसिल से अपने रोक के फैसले पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया गया है। छात्रों के भविष्य का हवाला देते हुए उन्होंने अपने फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है। यह खबर है रांची से। जमशेदपुर के DSP पर यौन शोषण का आरोप, राज्यपाल व CM तक पहुंची बात। झारखंड के एक DSP पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। इसे लेकर राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य के DGP से शिकायत की गई है। शिकायत हजारीबाग के रहने वाली एक युवती ने की है। इसमें कहा गया है कि जमशेदपुर में पोस्टेड DSP अरविंद कुमार ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। इस मामले की शिकायत CM सहित कई अन्य सक्षम अधिकारियों से की जा चुकी है। मामले में अधिक कार्यवाही पूरी हुई नहीं है, इससे पहले कि DSP ने दूसरी शादी रचा ली है।
जल्द जमा कीजिए बिजली बिल, नहीं तो कट सकता है आपका बिजली। झारखंड विद्युत वितरण निगम जमशेदपुर सर्किल के महाप्रबंधक अरविंद कुमार ने वैसी बिजली उपभोक्ताओं जो अपना बकाया बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं, चाहे शहर हो या गांव, गली हो या मोहल्ला, घर से बिजली की लाइन नहीं काटी जाए बल्कि ट्रांसफार्मर से ही लाइन काट दी जाएगी, ताकि वह दोबारा बिना बिजली बिल जमा किए तार जुड़वा नहीं पाएंगे। जमशेदपुर सर्किल के विद्युत महाप्रबंधक अरविंद कुमार ने बताया कि यदि किसी गली के एक भी लोग बिजली बिल जमा नहीं किए हैं तो उस गली के जम्फर से ही बिजली काट दी जाएगी। इसी तरह किसी गांव के एक भी व्यक्ति बिजली बिल जमा नहीं किए हैं तो उसका बिजली काट दिया जाएगा। ANM और GNM की परीक्षा 11 से, कोविड नियमों का पालन का निर्देश। यह खबर है रांची से। ANM व GNM की वार्षिक परीक्षा 11 दिसंबर से निर्धारित की गई है। इस परीक्षा में छात्र छात्राएं शामिल होंगे। परीक्षा ऑफलाइन संचालित की जाएगी। इसे लेकर बुधवार को झारखंड नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल की ओर से आदेश जारी किया गया है। झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो को धमकी देने वाले जल्द होंगे गिरफ्त में, पुलिस को मिली इसकी अहम सुराग। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री व सिल्ली से विधायक सुदेश महतो को धमकी देने वाले जल्द गिरफ्त में होंगे, इस मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने इस आधार पर दावा किया है कि आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि आईसीयू सुप्रीमो सुदेश महतो को धमकी दी गई थी कि 15 लाख रुपया रंगदारी नहीं देने पर गोली मार दिया जाएगा। झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो को धमकी मिलने के बाद इनकी ओर से रांची को गोंदा थाना में मामला दर्ज कराया गया था। इसमें कहा गया था कि 14 अगस्त के रात को सुदेश महतो के नंबर पर फोन कर उनसे रंगदारी मांगी गई थी। 15 लाख रुपया रंगदारी की मांग की गई थी। ये रंगदारी नहीं देने पर घर में घुसकर गोली मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद सुदेश महतो की ओर से थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इसके बाद इस मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। अमेरिका ने फाइटर जेट से गिराया परमाणु बम, कांपने लगा चीन, दुनिया में मची हलचल। चीन से जारी तनाव के बीच अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने स्टील्थ तकनीकी वाले लड़ाकू विमान F-35A से परमाणु बम दागा है। यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स ने एक ऑडियो जारी किया है जिसमें लड़ाकू विमान से B-61-12 परमाणु बम गिराते हुए दिखाया गया है। अमेरिका के इस कदम के बाद चीन में दहशत फैल गई है। चीन ने इस परीक्षण पर चिंता जाहिर की है। किसान आंदोलन की फंडिंग, कहां से मिल रहा है पैसा, हो गया खुलासा। जानिए कौन उठा रहा है किसान आंदोलन में खाने पीने का जिम्मा। बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसानों का जमावड़ा है। आज 7 दिन हो गए हैं जब किसानों का आंदोलन जारी है। ऐसे में इन कृषकों को खाने पीने की जिम्मेदारी कौन उठा रहा है। तब इस मामले में जाँच की गयी तो सामने आया कि किसान आंदोलन का बही खाता है। जी हाँ, हर गांव में साल में 2 बार चंदा इकट्ठा किया जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक हर 6 महीने में तकरीबन 2.5 लाख रुपए तक का चंदा इकट्ठा हो जाता है। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संजय झा ने खोली कांग्रेस की अवसरवादी राजनीति की पोल। पूछा सवाल, खुद MSP पर कानून क्यों नहीं बनाया। अवसरवादी राजनीति कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना हो या MSP को कानून रूप में देना, कांग्रेस ने हमेशा किसानों के साथ छल किया है। लेकिन सत्ता से बेदखल होते ही उसे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और MSP की याद आने लगती है। किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल भी सरकार को घेरने के कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के इस अवसरवादी राजनीति पर उसके ही पूर्व प्रवक्ता संजय झा ने करारा हमला बोला है। एक दुखद खबर, मसाला कंपनी MDH के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का 98 साल की उम्र में निधन। महाशिया की छुट्टी। मसाला कंपनी के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने कल सुबह 5:38 पर अंतिम सांस ली। पिछले दिनों धर्मपाल गुलाटी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। हालांकि कोरोना से उन्होंने जंग जीत ली थी। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। धर्मपाल गुलाटी को पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था।
परगढ़ सिंह समेत पंजाब के 27 खिलाड़ी लौटाएंगे अवार्ड। सरकार और किसान नेताओं के बीच 5 घंटे से भी ज्यादा समय से बैठक जारी रहा था। बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में चला, जिसमें 40 संगठनों के किसान नेता शामिल हुए। इस बीच खबर आ रही है कि पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह समेत पंजाब के 27 खिलाड़ियों ने किसानों के समर्थन में अपने अवार्ड लौटाने का ऐलान कर दिया है। परगट सिंह समेत सभी खिलाड़ी 5 दिसंबर को अपने अवार्ड लौटाएंगे। बता दें कि परगट सिंह जालंधर कैंट से विधायक हैं। चाइना के ड्रोन हमलों को रोकने के लिए इंडियन नेवी खरीदेगी SMASS-2000 राइफले। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच पिछले 8 महीने से चल रहे सैन्य तनाव के बीच भारतीय सेना भी लगातार चौकस है। लद्दाख में चीन की किसी गुस्ताखी का जवाब हिंद महासागर में देने के लिए वो लगातार अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ा रही है। इसके लिए वो अब ड्रोन को भी मार गिराने वाली दुश्मन SMASS-2000 राइफलें भी खरीदने जा रही है। प्रकाश सिंह बादल और सुखदेव सिंह धिंडसा ने लौटाए पद्म विभूषण। किसान आंदोलन को लेकर चल रही राजनीतिक में अकाली दल भी पीछे नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात के बाद खबर आई कि प्रकाश सिंह बादल ने आंदोलन के किसानों में समर्थन में पद्म विभूषण लौटाने का ऐलान किया है। हरसिमरत कौर पहले ही कृषि कानून के खिलाफ मोदी सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ने भी पद्म भूषण सम्मान वापस कर दिया है। फार्मर प्रोटेस्ट पर राहुल गांधी का ट्वीट, बोले कृषि कानून को रद्द करने से कुछ भी कम स्वीकार करना होगा विश्वासघात। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने से कुछ भी कम स्वीकार करना किसानों के साथ विश्वासघात जैसा होगा। बिहार से एक बड़ी खबर, राज्यसभा उपचुनाव में ट्विस्ट, सुशील मोदी के खिलाफ उतरा एक इंजीनियर उम्मीदवार। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जब शायद निर्विरोध न चुने जाए। दरअसल महागठबंधन की ओर से कोई कैंडिडेट नहीं दिए जाने के बाद अब एक व्यक्ति ने नामांकन दाखिल कर दिया है। सुशील मोदी को टक्कर देने जा रहा है यह व्यक्ति पेशे से इंजीनियर बताया जा रहा है। जाहिर है इनका नामांकन अगर सही पाया गया तो इस बार राज्यसभा के उपचुनाव का दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। विकिपीडिया ने दिखाया जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा, भारत सरकार ने दिया बड़ा आदेश। विकिपीडिया ने जम्मू और कश्मीर का गलत नक्शा दिखाया है, जिसके बाद भारत सरकार ने विकिपीडिया को आदेश दिया है कि ये लिंक वो अपने प्लेटफॉर्म से हटा दे। ये आदेश भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बुजुर्ग महिला ने उठाया बड़ा कदम, देना चाहती है अपनी सारा जायदाद। देश विदेश में अधिकांश लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके व्यक्तित्व के लिए बहुत पसंद करते हैं। लोगों का उनके प्रति समर्पण भाव काफी ज्यादा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में रहने वाली एक 85 साल की बुजुर्ग महिला है, जिनका नाम बिट्टन देवी है। ये बुजुर्ग महिला अपनी सारी जमीन जायदाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम करना चाहती है। SBI ने नए डेबिट कार्ड से दुनिया के किसी देश में कर सकते हैं ट्रांजैक्शन, खरीदारी पर डिस्काउंट का भी है ऑफर। बिजनेस डेस्क देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर्स के लिए नया डेबिट लॉन्च किया है, जिसके जरिए दुनिया के किसी भी देश में ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। यही नहीं, इस कार्ड से खरीदारी करने पर कई तरह के ऑफर भी मिल रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस कार्ड का नाम SBI रुपे JSB प्लेटफॉर्म कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड है। 50 रुपए तक महंगा हुआ रसोई गैस LPG सिलेंडर, देखिए आपके शहर में नए रेट। गैर सब्सिडी वाली LPG गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। IOC ने दिसंबर के लिए गैस की कीमतें जारी कर दी है। गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत देश भर में 50 रुपए बढ़ा दी गई है। 5 महीने के बाद ये पहली बार है कि बिना सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई गई है। RRB NTPC एग्जाम जल्द आएंगे एडमिट कार्ड, जाने परीक्षा से जुड़े जरूरी पॉइंट्स। रेलवे परीक्षाएं 15 दिसंबर से शुरू होगी। RRB NTPC ग्रुप डी अन्य परीक्षाएं रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा का शेड्यूल और एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं किए गए हैं।
इससे पहले आइए आपको बताते हैं कि इस परीक्षा से जुड़ी खास जानकारी पाना हो तो इस न्यूज में बने रहिए, समय समय पर आपको अप टू डेट बताया जाएगा। अब खबर खेल जगत से। बीबीएस लक्ष्मण ने दिया बड़ा बयान, कहा विराट कोहली ने मुझे गलत साबित किया। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में अपने 12,000 रन पूरे किए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने 251 वनडे मैचों की 242 पारियों में 12,000 रन पूरे किए हैं, जबकि सचिन ने 12,000 रन बनाने के लिए कोहली से 58 पारी ज्यादा खेले हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।